दोस्तों आप सब में बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि फीटर के बारे में बताइए कि एक फीटर का क्या काम होता है। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फीटर किसे कहते हैं, फीटर का फुल फॉर्म क्या होता है, फीटर कितने प्रकार के होते हैं, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में एक फीटर को क्या क्या काम करना पड़ता है, गल्फ कंट्रीज में फीटर को और किस नाम से जाना जाता है, और साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि एक फीटर की इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया यानी गल्फ की बात करें जैसे दुबई, सऊदी, कुवैत, कतर में उन्हें कितनी सैलरी मिलती है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो ऑयल एंड गैस रिफाइनरी मेंटेनेंस शटडाउन पाइपिंग से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि फिटर किसे कहते हैं। तो देखिए फिटर भी हमारी आपकी तरह एक ऐसा इंसान होता है जो किसी भी इंडस्ट्री में लाइक ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग या फिर ऑयल एंड गैस में किसी भी मशीनरी या इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन, फिटिंग, असेंबलिंग, रिपेयरिंग या फिर मेंटेनेंस का कार्य करता है। अगर हम फिटर के फुल फॉर्म को डिफाइन करें तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डिफिनेशन दिया है, लेकिन मुझे जो सुटेबल लगता है वो है फिटर मीन्स फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस। चलिए एक और फुल फॉर्म बताते हैं जिससे आप लोग रिलेट कर पाओगे। सो एफ यानी फिटनेस, मतलब जो काम करने के लिए एकदम फिट हो। आई यानी इंटेलिजेंट, मतलब काम के दौरान जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सके। टी यानी टैलेंटेड, मतलब जो प्रतिभाशाली हो। अगेन टी यानी टारगेट, मतलब जो लक्ष्य को हमेशा पाने की कोशिश करे। ई यानी इफिशियंट, मतलब जो कुशल हो। एंड आर यानी रेगुलरिटी, मतलब जिसमें नियमितता हो। इस प्रकार से फिटर के अंदर ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ फुल फॉर्म ऑफ फिटर। अब अगर हम फिटर के टाइप्स यानी प्रकार की बात करें तो अलग अलग प्रकार के फिटर होते हैं, लाइक मेंटेनेंस फिटर यानी जो लोग मशीन या इक्विपमेंट का मेंटेनेंस और रिपेयर का काम करते हैं। नेक्स्ट फैब्रिकेशन फिटर यानी जो लोग फैब्रिकेशन द्वारा किसी इक्विपमेंट या फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। पाइप फिटर यानी जो लोग पाइप फिटिंग या मेंटेनेंस का काम करते हैं उसे पाइप फिटर कहते हैं। असेंबली फिटर यानी जो लोग असेंबली लाइन पर मशीन या इंजन या फिर किसी पार्ट्स का असेंबली करते हैं तो उसे हम असेंबली फिटर कहते हैं। बेंच फिटर यानी जो लोग बेंच वाइस का इस्तेमाल करते हुए कुछ काम करते हैं जैसे कटिंग, ग्राइंडिंग, टैपिंग, मिलिंग वगैरह, तो उन्हें हम बेंच फिटर कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रकार हैं एक फिटर के। अब चूंकि हमारी वीडियोस ऑयल एंड गैस से रिलेटेड होती हैं तो हम बात करते हैं ऑयल एंड गैस में एक फिटर को क्या करना पड़ता है। तो देखिए ऑयल एंड गैस में हम फिटर को मेनली दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक स्टैटिक फिटर और दूसरा रोटरी फिटर। वो लोग जो स्टैटिक इक्विपमेंट पर काम करते हैं उन्हें हम स्टैटिक फिटर, और जो रोटरी इक्विपमेंट पर काम करते हैं उन्हें रोटरी फिटर कह सकते हैं। अगर इनके काम की बात करें तो जितने भी स्टैटिक या रोटरी इक्विपमेंट या फिर मशीन्स हैं उनका जो भी रिपेयर, मेंटेनेंस या फिर क्लीनिंग वगैरह का काम होता है वो इन्हें करना पड़ता है। अगर थोड़ा और डिटेल में जाए तो किसी भी मशीन या इक्विपमेंट को खोलने से लेकर के उसका इंस्पेक्शन, क्लीनिंग, उनका रिपेयर, देन अगेन उस इक्विपमेंट या मशीन का बॉक्सअप करना एक फिटर का मुख्य कार्य होता है। अब जानते हैं कि इन फिटर को कहां कहां किस नाम से जानते हैं। तो देखिए ऑयल एंड गैस में मैकेनिकल फिटर को अलग अलग नाम से जाना जाता है। लाइक सबसे पहले अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितनी भी रिफाइनरीज हैं उन रिफाइनरीज में इन फिटर को रीगर के नाम से जानते हैं, जबकि इनका काम मैकेनिकल फिटर का होता है। अगर देखा जाए तो रीगर का काम लिफ्टिंग और शिफ्टिंग का ही होता है केवल, जैसे कि गल्फ कंट्रीज में होता है, लेकिन इंडिया में मैकेनिकल फिटर को भी रीगर ही कहा जाता है। अगर गल्फ कंट्रीज की बात करें तो कुवैत की रिफाइनरी में इन्हें जनरल फिटर के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो उन्हें पाइप फिटर के नाम से जाना जाता है सऊदी अरब में। वहीं अगर यूएई यानी दुबई या फिर अबू धाबी की बात करें तो वहां पर इन्हें मैकेनिकल टेक्नीशियन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार रिफाइनरी के अंदर इनका काम वही रहता है, सेम ही रहता है, अलग अलग जगह के आधार पर नाम कुछ चेंज हो जाते हैं।
तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। जितने भी मैकेनिकल फिटर, मैकेनिकल टेक्नीशियन, जनरल फिटर या फिर पाइप फिटर या रिगर जो कि इंडिया में होते हैं, इन सब का ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में काम सेम ही होता है। अब जानते हैं कि इंडिया और गल्फ में मैकेनिकल फिटर को कितनी सैलरी मिलती है। यार अगर देखो यहां तक आपने वीडियो देखी है ना, तो तुम्हारी कसम वीडियो को लाइक करना, और पहली बार अगर आए हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि देखो तुम्हारे प्यार और सपोर्ट का अंदाजा जो है तुम्हारे लाइक शेयर और सब्सक्राइब से ही चलता है, और मुझे एक दूसरा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो लाल वाले बटन को जैसे तोड़ना है तोड़ो, उस पर हैमर चलाओ या फिर स्पैनर, बाकी वो सब्सक्राइब वाला बटन जो है वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो चलो आगे देखते हैं कि इंडिया में एक फिटर को कितनी सैलरी मिलती है। तो देखो ये कॉन्ट्रैक्टर टू कॉन्ट्रैक्टर या फिर कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है। मैं एक राउंड फिगर की बात करूंगा, बट बेसिक सैलरी की अगर बात करें तो बेसिक सैलरी 18,000 से 20,000 तक मिलता है 8 घंटे का। साथ में अगर ओवर टाइम की बात करें, ओवर टाइम मिला करके 24,000 से 27,000 तक सैलरी इंडिया में एक फिटर को मिल जाती है अगर एक्सपीरियंस है तो। नहीं तो फ्रेशर्स के लिए 12,000 से 16,000 तक सैलरी कॉन्ट्रैक्टर्स अफोर्ड करते हैं। और अगर गल्फ की बात करें तो गल्फ में भी अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से ये सैलरी वेरी करता है। लाइक कुवैत में 80 KD से लेकर के 150 KD के बीच में सैलरी होता है। इंडियन या फिर अदर कंट्री में कन्वर्ट करने के लिए ऑनलाइन एक्सचेंज रेट्स के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये 80 KD से लेकर के 150 KD तक कितना आपके कंट्री के हिसाब से सैलरी बनता है। वहीं अगर सऊदी अरब की बात करें तो 1200 रियाल से लेकर के 1800 रियाल तक ये सैलरी वेरी करता है। ओमान की बात करें तो 110 रियाल से लेकर के 160 ओमानी रियाल तक हो जाता है। वहीं अगर यूएई की बात करें, अबू धाबी की बात करें, तो 1500 द्रम से लेकर के 2200 द्रम तक आपको मिल सकता है। ये एक बेसिक पे आउट है। इसके अलावा अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो वो सरप्लस हो सकता है उसमें। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाकी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो जाकर के प्लेलिस्ट में। और बस आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।